बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जी तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें, ख़ास तौर पर इस मौका पर। जैसा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कि इन ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो रहे होते और वो दूसरों से कहते भी नहीं हैं, तो काइंडली उन लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें। हम लोगों को इस मुश्किल मौका पे, जैसा कि कोरोना वायरस की कंडीशन है और फिर ये ख़ास खुशी का मौका इसी में है, तो इस पे ख़ास तौर पे जो है अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का खसूसी ख्याल रखें। सबको ईद की खुशियों में शामिल करें जितना मैक्सिमम हो सकता है। जितनी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जितना भी कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त है, लाजमी करें। और अपने सब बहन भाइयों, माँ बाप, सारे रिश्तेदारों का, सबका, अपने हमवतनों का ख्याल रखें, सबको खुशियों में शरीक रखें। तो इंशाल्लाह आज मेरा प्लान है ईद वाले दिन पाकिस्तान के 9 बजे जो है इंशाल्लाह बारबेक्यू का मेरा प्लान है, तो उसमें आप लोगों को साथ लाइव शामिल करूँगा। तो मिलके जो है ये खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। ज़ाहिर है हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो इसका यही बेस्ट वे है कि आप लोग फ़ोन पे हों, कॉल पे हों, वीडियोस पे हों, दूसरों के साथ घर पे रह के सारी प्रिकॉशंस जो हैं कोरोना की, उनको मद्देनज़र रखते हुए, सामने उस पर पूरा उतरते हुए, उन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखते हुए हम सब लोगों को मिल के रहना है। अगर हम इस मुश्किल कंडीशन में अपने आप से, लोगों से थोड़ा सा जो डिस्टेंस, उन जो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि इतना डिस्टेंस मेंटेन रखना है, हमें थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि यही जो दूरी है यही हम सब लोगों को इकट्ठा रखेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईद को बहुत इंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह लाइव सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी पाकिस्तान के 9 बजे। इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगा और आप लोगों के साथ मैं अपनी जो रूटीन है, जो बारबेक्यू वगैरह हम करेंगे, उसमें आप लोगों को साथ जो है लेके चलूंगा, और इंशाल्लाह गपशप होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। एक बार फिर सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।